आपको ये क्वेश्चन हमेशा लगता रहेगा कि ये कॉम्पिटेंसी मेजर कैसे करते हैं, वेन वेन और रेटिंग कैसे करते हैं, उसको कैसे मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि मेरी रेटिंग क्या है। मैं तो खुद को तोफचंद समझता हूँ, वो मेरा मैनेजर तोफचंद समझता है कि नहीं वो अलग बात है। तो इसके लिए एक मापदंड बनाया हुआ है और कैसे मूल्यांकन करें इसको, वे रेटिंग रेटिंग द अप्रेजर अगेंस्ट दीज कॉम्पिटेंसीज स्पेसिफिक स्केल इज एम्प्लॉयड। किसी किसी कंपनी में 0, 1, 2, 3, 4, 5 होता है, किसी कंपनी में 1, 2, 3 होता है, किसी कंपनी में ABC होता है, किसी कंपनी में एक्सेलेंट, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, नॉट परफॉर्म, ये अलग अलग टाइप के रो दिए जाते हैं। किसी में 1 to 10 होगा, किसी में परसेंटेज दिखाई देगा। चलो आइए अब देखते हैं वन बाय वन, जीरो रेटिंग से स्टार्ट करते हैं हम और उसका इंपॉर्टेंस भी समझते हैं। पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस रेटिंग स्केल क्या होती है और उसके साथ में हम देखेंगे इसके इस रेटिंग स्केल का इंपॉर्टेंस भी क्या है। जैसे फर्स्ट आते हैं हम लोग जीरो पे, जीरो अनेबल टू रेट द स्किल इन दिस कॉम्पिटेंसी, ये कॉम्पिटेंसी को हम रेट नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस उसका कुछ दिया नहीं है। चलो अब आते हैं वन रेटिंग पे, परफॉर्मेंस ऑन दिस कॉम्पिटेंसी फेल्स टू मीट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स और मेजर डेवलपमेंटल नीड, इस योग्यता पर प्रदर्शन स्वीकार्य मान्यता को पूरा करने में विफल रहा है, ये फेलियर है, तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। तो इंपॉर्टेंस में देखते हैं, दिस बिहेवियर इज नॉट रिलेवेंट टू ओवरऑल सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, ये सक्सेसफुल परफॉर्मेंस करने के लिए ये रिलेवेंट नहीं है और ये प्रासंगिक नहीं है, ये हमें ऊपर तक ऐसी कॉम्पिटेंसी हमें नहीं चाहिए इस लेवल की। उससे ऊपर आके बढ़ते हैं लेवल टू की रेटिंग्स, परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी इज नॉट क्वाइट अप टू द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, क्वाइट अप टू द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड का मतलब वन से ये काफी बेहतर है, बट ये भी अभी तक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड तक आई नहीं है, एक लेवल तक बीच तक आई नहीं है और इसमें भी डेवलपमेंट की नीड की जरूरत है। दिस बिहेवियर, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें इसमें, दिस बिहेवियर इज हाईली मार्जिनल रिलेवेंस टू द ओवरऑल सक्सेसफुल, ये इंपॉर्टेंट है बट बहुत मार्जिनल रिलेवेंस है इसको, छोटा सा रिलेवेंस है इसको। अब आते हैं तीन, रेटिंग नंबर तीन, तो काफी अच्छी है यहाँ पे, क्वाइट एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी मीट्स रिक्वायरमेंट, जो काम में दिया हुआ कॉम्पिटेंसी है वो इसमें आ रहा है, जो काम के लिए जरूरत है वो सब इसमें दिख रहा है यहाँ पे, योग्यता का सर काफी हद तक स्वीकारनीय है, आवश्यकता को पूरा कर सकता है, बट बेसिक नीड्स आर मेट, दिस बिहेवियर इज रिलेवेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए ये औसत लेवल, ये औसत दर्जे का परफॉर्मेंस हो गया राइट, इस और आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो इससे और ऊपर बढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं चार रेटिंग पे, वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी बेटर देन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, जो नीचे दिया था हमने तीन लेवल पे वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड था बट वो अच्छा नहीं था, अब हम चार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चार रेटिंग वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी को पूरी तरह से एग्जीबिट कर रहा है बंदा। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, द बिहेवियर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ओवरऑल, ये सफल प्रदर्शन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राइट। अब आते हैं पांच रेटिंग, द हाईएस्ट है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी फार एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स के सबसे ऊपर है, यही है जो डिजायर्ड है। और हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, द बिहेवियर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू अ सक्सेसफुल ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, इस लेवल का परफॉर्मेंस ये बेंचमार्क है, इसके ऊपर कोई नहीं चाहिए हमें, दैट्स इट, पांच लेवल। तो कंपनी ने डिफाइन किया 0, 1, 2, 3, 4, 1 में ऐसे रेटिंग किया नहीं, ऐसा रेटिंग करते नहीं है, एक में देखा जाए तो परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, ये लेवल भी मीट नहीं कर रही है, सेकंड में कुछ कॉम्पिटेंसीज मीट करती है पर कुछ नहीं करती है, थर्ड में जो है बेसिक लेवल की कॉम्पिटेंसीज मीट करते हैं, चार लेवल में इज गुड स्टैंडर्ड, इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस और द गुड कॉम्पिटेंसीज आर शोन वेरी गुड ओवर द स्टैंडर्ड्स, अब वो स्टैंडर्ड्स है बट नॉट एक्सट्रीम, सर्वोच्च नहीं है, जो सर्वोच्च की बात हम करते हैं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पांच नंबर पे है। तो ये हमने देखी यहाँ पे 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 रेटिंग्स और उनके इंपॉर्टेंस भी। अब आती है कई कई यहाँ पे पॉइंट रेटिंग सिस्टम की होती है, वहां पे नॉमेनक्लेचर्स यूज किया जाता है, जैसे अनसेटिस्फैक्ट्री कॉम्पिटेंसी है, सेटिस्फैक्ट्री ही है शोन, गुड, वेरी गुड, एक्सेप्शनल, ऐसे नॉमेनक्लेचर्स दिए जाते हैं, वहां पे नंबर्स नहीं होता, तो अनसेटिस्फैक्ट्री इसका मतलब असंतोषजनक, कंसिस्टेंटली फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, अगर लगातार आप उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हो तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगा, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब डज नॉट मीट एक्सपेक्टेड कंसिस्टेंसी, अब लगातार खरा नहीं उतरा है, हो सकता है 10 चाहिए वहां पे आप 9 पे 8 पे खरे उतरे बाकी के पे नहीं उतरे खरे,
तो कभी दिखाई आपने कॉम्पिटेंसी, कभी नहीं दिखाई, ओके ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। गुड का मतलब कंसिस्टेंसी मीट ले एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों पे खरा उतरा है बंदा है ये। सो ये गुड का मतलब अच्छा है यहाँ पे, और जितना स्टैंडर्ड चाहिए था बेसिक स्टैंडर्ड जो है उन्होंने मीट किया हुआ है। जब हम वेरी गुड की बात करते हैं, बहुत अच्छा, यहाँ पे कंसिस्टेंटली मीट और एक्सीड्स द एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे अपेक्षा को पूरा करने के बाद भी उसके और अधिक अधिक एक्सपेक्ट कॉम्पिटेंसी इज बीन शोन। अब फाइनली आते हैं एक्सेप्शनल और असाधारण, कंसिस्टेंटली एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, लगातार अपेक्षाओं से अधिक करना। ये 5 पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, असंतोषजनक, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, असाधारण। तो ये रेटिंग स्केल भी कई कई कंपनियों में यूज होती है।